हेलो नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और मैं बीट्स एंड बियॉन्ड कॉरपोरेशन और बीट्स एंड बियॉन्ड लेबल्स का ओनर हूँ। हमारा रिसेंटली यूट्यूब पे और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे नया गाना आया है जिसका नाम है तू ही मेरी जिंदगी, जो अनीश पुजारी जी ने लिखा और गाया है और डायरेक्ट किया है हृदय सतम ने और जयेश करदक ने। मैं ये चाहता हूँ कि आप जाके वो गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, उसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए गाने को। थैंक यू सो मच। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपेट में आ जाते हैं। हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है। बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपेट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है, और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा, तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्र, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए।